हेलो दोस्तों, ब्रेन टेक में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, लाइक जैसे मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं और भी तरह तरह की फाइल्स होती हैं, उनको किसी भी डिवाइस में ट्रांसफ़र करना है तो हमारे माइंड में कई तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे आपको यदि किसी मोबाइल से फाइल को लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना है तो हमारे सामने ऑप्शन होता है या तो डेटा केबल से हम ट्रांसफ़र करें या फिर पेन ड्राइव से ट्रांसफ़र करें। कुछ लोग इसके लिए ऑनलाइन जो क्लाउड स्टोर होते हैं लाइक जीमेल, इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की डेट में हम लोगों को कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए, कोई बेटर ऑप्शन चाहिए जो कि ईजी हो और वायरलेस हो, जिसका इस्तेमाल हम आसानी से कर सकें। और साथ ही साथ हम लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन भी चाहिए जिसका इस्तेमाल हम मल्टीपल डिवाइसेज में फाइल ट्रांसफर के लिए कर पाएं। ऐसे में दोस्तों, हम लोग वायरलेसली शेयर इट का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे हम मल्टीपल डिवाइसेज में अपनी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते थे, जैसे कि एंड्रॉइड से एप्पल डिवाइसेज में या फिर एंड्रॉइड से विंडोज़ में। सभी तरह के डिवाइस में हम शेयर इट का यूज़ भी कर सकते थे फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब दोस्तों, जबकि शेयर इट और जेंडर बैन हो चुके हैं इंडिया से, तो ऐसे में हम लोगों के पास इससे बेटर ऑप्शन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिससे हम मल्टीपल डिवाइसेस में फाइल्स को आसानी से सुपर स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज वेरी सिक्योर एप्लीकेशन। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आज मैं जिस एप्लीकेशंस के बारे में आपको बता रहा हूं, दैट इज फीम। फीम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है। यदि आप प्ले स्टोर पर देखोगे तो इसको 4.2 रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा इसके 100K से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप iOS स्टोर पर देखोगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, जिसकी रेटिंग 3.7 स्टार्स है। और दोस्तों, जैसे ही आप विंडोज़ में इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको इस एप्लीकेशन का वर्जन सभी डिवाइसेस के लिए मिल जाएगा, जैसे कि एंड्रॉयड है, इसके अलावा आईफोन है, विंडोज़ है, मैक है और लिनक्स है। सभी के लिए लगभग ये एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल आप मल्टीपल डिवाइसेस में आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, और भी कई सारे फीचर्स होते हैं इस एप्लीकेशन में, जिसका यूज आप काफी आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये वर्क करती है। सबसे पहले दोस्तों, आपको फीम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेते हो, आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसे अपने पीसी में भी डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हो, आपको इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पर दिखाई दे जाएगा। और यदि आप iOS डिवाइस यूज़ करते हो तो आप वहाँ भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन की काफ़ी खास बात मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना है। जैसे आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हो और किसी भी डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने अपने हॉटस्पॉट को ऑन करके अपने लैपटॉप में, iOS डिवाइस में या फिर किसी भी अनदर एंड्रॉयड मोबाइल में कनेक्ट कर रखा है, तो जितने भी डिवाइसेज में आपने इसके हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर रखा है, उन सभी डिवाइसेज में आप फाइल्स को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो वे लोग भी आपको अपनी फाइल्स को सेंड कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों कनेक्ट करने के बाद, जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। इस नाम को हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रो वर्जन नहीं है। प्रो वर्जन होगा तो हम चेंज कर सकते हैं। बाकी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये विंडोज़ के लिए है यहाँ पर, और ये मेरे आईफोन के लिए, और यहाँ पर एक विंडो होल्डर भी दे रखा है। तो मान लो मुझे अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करना है, तो मैं जैसे फीम एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा आ जाएगा कनेक्टेड। कनेक्टेड लिखा आने के बाद अब मैं यहाँ पर सीधे इसके अंदर जाऊँगा, और यदि मुझे कंप्यूटर से किसी फाइल को इसमें ट्रांसफर करना है तो मैं सेंड फाइल पर क्लिक करूँगा और अपने कंप्यूटर से किसी भी तरह की फाइल को यहाँ पर मैं चूज़ कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक फाइल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो स्पीड इसकी क्या आ रही है। यहाँ पर 4.84 MB, ये 10 MBPS तक पहुँच जाती है और काफ़ी अच्छी स्पीड आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, दोनों डिवाइस में अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो यदि आप चाहते हो अपने मोबाइल से किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना अपने लैपटॉप में, तो बस उसके लिए आपको यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस में जाना है और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर अपने ऑडियो, वीडियो, फोटोज़, जो भी आपको सेंड करना है उसको, फाइल को चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई है, और देखिए आप कितनी स्पीड से ये जो फाइल है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। दोस्तों, इसके अलावा आप डायरेक्टली ओवर द वाईफाई नेटवर्क चैटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप कुछ भी लिखोगे तो डायरेक्टली आपके डिवाइस में
आपका मैसेज पहुंच जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पर चैटिंग भी कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। शेयर इट से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर एप्लीकेशन है ये, जिसका इस्तेमाल हम अपने मल्टीपल डिवाइसेज में फाइल ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हैं। आपके पास यदि कोई iOS डिवाइस है तो आप उसमें भी आसानी से इसी तरह से फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। आपको जो भी डिवाइस है यहाँ पर कनेक्टेड मिल जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पर अपना आईफोन ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टेड लिखा आ चुका है, यहाँ पर आईफोन मेरा ऑन हो चुका है। जैसे मैं अब यहाँ पर जाऊँगा किसी फाइल को ट्रांसफर करूँगा तो बस मुझे यहाँ पर सेंड फाइल पर क्लिक करना है और किसी भी फाइल को फिर से यहाँ पर चूज़ करना है। चूज़ करने का जैसे आप सेंड पर टैप करते हो ऑटोमेटिक ये देखिए फाइल यहाँ पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी और ये देखिए इस तरह से ये वर्क करेगा। तो दोस्तों फीम एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। यदि आपको तलाश है किसी ऐसी एप्लीकेशन की जो मल्टीपल डिवाइसेस में वर्क करे फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए और वो भी सुपर फास्ट स्पीड से सिक्योर तरीके से, तो आप फीम की तरफ जा सकते हो। इससे बेस्ट एप्लीकेशन, इससे बेटर एप्लीकेशन मुझे अभी तक नहीं मिली है। सो दोस्तों यदि आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी है तो आज ही इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने मल्टीपल डिवाइसेज में और यूज़ कीजिए सुपर फास्ट तरीके से। इसके अलावा दोस्तों आपको ये वीडियो आए वो पसंद तो कर दीजिए इसे लाइक और अपने दोस्तों को कर लीजिए इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे फिर से फ्रेश और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।